अनुपम खेर ने डिस्क्लोज किया था कि किस तरीके से उनकी वाइफ किरण खेर इज बैटलिंग ब्लड कैंसर माइलोमा। एंड इस पूरे सीन में कविता कौशिक ने देने की कोशिश की अनुपम खेर को कुछ एडवाइस, जिसके बाद उनको एक डॉक्टर की पर जो है डॉक्टर ने स्लैम किया है, डॉक्टर ने क्वेश्चन कर दिया है और उनकी एक्सपीरियंस, उनके जो भी वो एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रही थी उनको क्वेश्चन कर दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल अनुपम खेर ने अनाउंस किया दैट हिज वाइफ किरण खेर इज बैटलिंग मल्टीपल माइलोमा, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। ऐसे में कविता कौशिक ने उनको एक एडवाइस देने की कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे पापा को भी, मेरे डैड को भी सेम प्रॉब्लम था एंड ही अंडरवेंट कीमोथेरेपीज, लेकिन वो इनफेक्टिव थी उनके केस में, इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। उसके बाद फिर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के पास जो है हम लोग गए, वहां से इनफैक्ट हम लोगों को हेल्प मिली, लेकिन जब तक कुछ हो पाता इट वॉज टू लेट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप आयुर्वेदिक हेल्प लीजिए, और अगर आपको इस पूरे केस की डिटेल्स चाहिए या आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ऑफ दैट आयुर्वेदिक हेल्प, आई हैप्पीली शेयर इट विद यू। इसके बाद एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर सुमैया शेख, उन्होंने उठा दिया कविता कौशिक पर सवाल कि आप इस तरीके से मिसलीड नहीं कीजिए किसी को भी, हो सकता है आपके केस में कुछ काम नहीं किया हो, बट दैट डजंट मीन्स कि वो साइंस ही गलत है या फिर वो ट्रीटमेंट ही गलत है। पेशेंट्स आर डिफरेंट, एवरी केस इज डिफरेंट, सो प्लीज डू नॉट मिसलीड पीपल बाय सेइंग ऑल दिस कि वो इनइफेक्टिव थेरेपी है या फिर उसका उसका कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद कविता कौशिक ने कहा कि मैं अगर किसी को एडवाइस दे रही हूँ तो मैं लीड कर रही हूँ बाय एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल, आई एम नॉट मिसलीडिंग पीपल। यहाँ पर मुझे जो लगा मेरे केस में, मेरे एक्सपीरियंस में जो सही लगा उसके हिसाब से मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि एडवाइस देने के लिए मुझे बहुत सारी साइंस पढ़ने की जरूरत है। इफ आई हैव सीन समथिंग बाय एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल, आई एम लीडिंग बाय दैट। जिसके बाद डॉक्टर का फिर उनके पास रिप्लाई आया कि हो सकता है कि आपके केस में जो काम किया हो या काम नहीं किया हो, दैट इज नॉट द केस विथ एवरीवन। हो सकता है आपके केस में जो है आपने कीमोथेरेपीज को इनफेक्टिव मानते हुए उनका पूरा ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया हो, एंड कुछ इस तरीके की चीजें हुई। और उसके बाद जो है कीमोथेरेपी का वो साइंस बताने लगी दैट कीमोथेरेपी किल्स द ग्रोइंग सेल्स, जिसकी वजह से जो है आपके कैंसरस सेल्स भी किल होने लगते हैं। हालांकि इसको एक जो आइडियल केस होना चाहिए उसमें सिर्फ कैंसरस सेल्स टारगेट होने चाहिए, लेकिन वो आइडियल केस अभी तक नहीं हो पाया है पॉसिबल। सो कीमोथेरेपी किल्स ऑल द ग्रोइंग सेल्स, सो दैट ब्रिंग्स अ सर्टेन वीकनेस इन द बॉडी। जिसके बाद जो है कविता कौशिक ने फिर से टारगेट किया डॉक्टर को और कहा कि यही केस हुआ था, कीमोथेरेपी ने मेरे फादर को इतना ज्यादा वीक बना दिया था, उनकी बॉडी को इतना ज्यादा वीक बना दिया था कि फिफ्थ कीमोथेरेपी के बाद वी लॉस्ट हिम, और कोई स्कोप ही नहीं बचा था कि हम लोग कोई और ट्रीटमेंट भी ले पाए क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, डॉक्टर्स तो इसके थ्रू पैसे कमा लेते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं, जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप समझदार हैं। तो यहाँ पर जो है कविता कौशिक ने डॉक्टर्स की सैलरी पर भी सवाल उठा दिया है, उनकी इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठा दिया है, और कई सारे सवाल उठा दिए हैं डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट पर। अब इस पर इसके इस ट्वीट के बाद जो है डॉक्टर सुमैया शेख का कोई रिप्लाई तो नहीं आया, बट वी थिंक दिस इज गेटिंग अग्लियर एंड यू नो वर्स देन व्हाट इट स्टार्टेड विथ। एंड वी थिंक कि कविता कौशिक अगर इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो उनको एक एडवाइस के तरीके से बोलकर छोड़ देना चाहिए था, और अगर कुछ डॉक्टर एक्सपर्ट जो पर्सन है वो कुछ बोल रहा था तो उसको समझ लेना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस पूरे केस के बारे में, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी खबरें हैं, लगातार आप तक पहुंचाएंगे।